कविता सेठ एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन www.rjmala.com। कविता जी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप दिल्ली में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली का माहौल सूफियाना कर दिया है आपने दिल्ली में आके, लेकिन फिर हम जानना चाहेंगे कि ये सूफियाना माहौल जो आपने किया, इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीजन है यू आर इन दिल्ली? मेरी जो हाल में एक एल्बम रिलीज हुई है एक दिन, उसके ही प्रमोशन के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और खासतौर से सभी अपने जो मेरी ऑडियंस है, जो पसंद करती है मेरी तरीके की गायकी, उन सब के लिए कह सकती हूँ कि एक बहुत खूबसूरत ट्रीट है, क्योंकि इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ पोइट्री एंड वेरी सोलफुल सिंगिंग, तो यू विल लव बोथ द थिंग्स। वाओ, कविता जी, बात करें अगर आपकी म्यूजिक लर्निंग के बारे में, जी आई थिंक आप यूपी से बिलोंग करते हैं। जी, मैं बरेली से बिलोंग करती हूं। तो बरेली से दिल्ली आने तक का जो आपका सफर था, डेफिनेटली वो शादी के बाद शुरू हुआ, लेकिन म्यूजिक की लर्निंग कब और कहां से शुरू हुई? मैंने जब से होश संभाला है तब से गा ही रही हूँ। और उसके बाद जब घर में सभी ने देखा कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक, तो मैंने काफ़ी जिद करी कि मुझे म्यूजिक सीखना है, बाकायदा तालीम लेनी है। तो मेरे लिए हारमोनियम लाया गया, तबला, बिकॉज मेरे यहाँ कोई भी म्यूजिकल ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि सब लोग बहुत ये सारी चीज़ों के बहुत दीवाने हो, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन ऐसा किसी को नहीं पैशन था। फिर मैंने ही जिद की कि मुझे सीखना है, तो मैंने पंडित एनडी शर्मा जी, जो ग्वालियर घराने के थे, उनसे बाकायदा तालीम लेना शुरू की 10-11 साल की उम्र से। फिर ग्रेजुएशन तक मैंने उनसे ही सारा कुछ सीखा। उसके बाद शादी हो गई मेरी, तो हस्बैंड की पोस्टिंग थी आसाम, वहाँ पर रेडियो टीवी में गाती रही। फिर दिल्ली पोस्टिंग हो गई, तो हम दिल्ली में रहे, और वहाँ फिर मैंने आफ्टर माय किड्स, बोथ द किड्स, आई अगेन स्टार्टेड माय लर्निंग एंड संगीत में मैंने म्यूजिक में एमए किया गंधर्व महाविद्यालय से, एंड हिंदी लिटरेचर में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया। तो स्टिल सीख रही हूँ, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब किन से सीखना? आपके लेटेस्ट गुरुजी कौन है? लेटेस्ट तो मतलब म्यूजिक में तो मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, जैसे एनडी शर्मा जी, विनोद जी, गंधर्व महाविद्यालय के डीपी सर हैं जो अभी वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं, इकबाल अहमद खान साहब दिल्ली घराने के, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जयपुर घराने के, जहाँ से जो कुछ मुझे मिलता गया मैं लेती गई। स्पेशली किसी चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं रही कि मुझे इनके ही इनको ही फॉलो करना है, या मुझे जिसकी जो चीज़ अच्छी लगती है वो अपने अंदर उतारने की कोशिश करती हूँ। तो स्टिल किसी से भी, इवन किसी बच्चे की भी कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे आना चाहिए ऐसा कुछ। तो एक प्रोसेस है और निरंतर करती रहती हूँ। नहीं नहीं, दैट्स रियली ग्रेट। एज एन आर्टिस्ट अगर आपकी लर्निंग खत्म नहीं हुई है, तो उसका मतलब आपके अंदर अभी आर्ट जिंदा है, आर्ट जिंदा है। बहुत जरूरी है। हाँ, सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं, जब तक सांस है तब तक आपको मोर एंड मोर एंड मोर सीखना ही है जी, डे पर डे। या जी कविता जी, आपका और हमारा नाता बहुत पुराना है, ऑल इंडिया रेडियो और कविता सेठ का नाता जी, जी। तो क्योंकि आपने आप AIR की आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं, अभी भी आप AIR के लिए गाती हैं? अभी बहुत टाइम से नहीं मैंने परफॉर्म किया है, कुछ गाया है, लेकिन हाँ जो शुरुआत है मेरी जर्नी की वो तो ऑल इंडिया रेडियो से ही स्टार्ट हुई। बरेली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ का जो नज़दीकी रेडियो स्टेशन है रामपुर रेडियो स्टेशन, अब तो बरेली में भी हो गया है, बट उस वक्त पर नहीं था, रामपुर रेडियो स्टेशन था। तो वहीं से मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया, और उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्वालिफाई किया। लोगों ने पूछा, अच्छा पहली बार में निकल गया? मैंने कहा हाँ फर्स्ट। अच्छा, मैंने कहा क्या इसके लिए बहुत एग्जाम देने पड़ते हैं? मुझे कुछ पता ही नहीं था, बस किसी से पता लगा कि फॉर्म्स कैसे मिलते हैं, कैसे ऑडिशन होता है, सुनती गई, लोगों से पूछती गई और करती गई, ऐसा रहा। क्योंकि घर में किसी को ये था कि जो करना है अपने आप करो, कोई ऐसे हेल्प करने वाला नहीं था, और सपोर्ट के नाम पर जो कर रहे हो हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा माहौल, हम रोकेंगे नहीं तो हम करेंगे भी नहीं। हाँ, मतलब अच्छा, वो सीन था। इवन मेरे को बरेली में ओपी नैयर साहब ने अवार्ड दिया था बेस्ट सिंगर का, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी पार्ट वन या पार्ट टू में, तो घर आके बहुत खुश होकर बताया, मैंने कहा मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया ओपी नैयर साहब ने, और कहा है कि तुम बॉम्बे आ जाओ, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल अलग है, ऐसी इंडस्ट्री में आवाज़ नहीं है। बड़ी खुश होकर बताया, तो मेरे पेरेंट्स का जवाब था, बेटे तुम्हारी शादी हो जाए, हस्बैंड गवाए तो गा लेना, वरना हमारे बस का नहीं है तुम्हें लिए लिए डोले। ये शब्द थे उनके, कि वो लोग अपना काम छोड़ करके या जो भी कुछ कर रहे हैं उसको लेकर के इतना
शायद यही डेस्टिनी रही होगी कि मैं हर चीज़ के लिए खुद जूझती रही, और जो ड्रीम्स थे बहुत बहुत बड़े ड्रीम्स थे कि कुछ बहुत बड़ा काम करना है, और तो शायद बिकॉज आप जब हर चीज़ खुद करते हो तो आपको हर एक पहलू पता होता है, तो उस वजह से वो आपको बहुत स्ट्रांग बना देता है. तो इन दैट सेंस थैंक्स टू ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरीके के माहौल से मुझे निकाला और इस तरीके से मैं ग्रो करती गई और सारी चीज़ें खुद किया. लकीली मेरे हस्बैंड, मैं उनको ही अपना गुरु मानती हूँ. ही वॉज माई मेंटर एंड जिंदगी के और गाने के दोनों के कॉम्बिनेशन में उन्होंने जो बहुत सारे पहलुओं से मुझे वाकिफ कराया, बहुत कुछ सीखा मैंने. तो अब मैं चाहती हूँ कि उनका जो ड्रीम था उसको मैं पूरा करूँ, बस वही मेरा एक मिशन रह गया है. लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? फर्स्ट अरेंज देन लव. अच्छा, मतलब पहले तो अरेंज. ऑलराइट, तो क्योंकि बरेली से आप दिल्ली आए, तो जो आपने मतलब जैसे कहते हैं कि स्टेट्स आपकी बदल गई, यूपी से आप दिल्ली आ गए, फिर उसके बाद शादी के बाद आपके वो मेजर स्टेप्स थे जिसके थ्रू आपने म्यूजिक सीखा. डेफिनेटली हस्बैंड ने सपोर्ट किया, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता था. तो उनका जो आपने कहा अभी कि उनका एक ड्रीम था वो मुझे पूरा करना है, उनका ड्रीम क्या था? वो हमेशा कहते थे कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ. जैसे कि मुझे वेकअप सिट के टाइम पर, वेकअप सिट का जो मैंने एक तारा सॉन्ग गाया था उस वक्त, मतलब इंडस्ट्री का कोई भी अवार्ड नहीं बचा था जो मुझे ना मिला हो. इतने सारे अवार्ड्स मिले और तो मतलब घर में सारे लोग काफ़ी खुश थे, और ये अच्छा मतलब एक रिजल्ट लगता है कि हाँ आपने इतने सालों मेहनत की, नाउ फाइनली यू आर गेटिंग समथिंग. तो लेकिन उनका यह था कि इट्स ओवर, हो गया ना, नाउ फिल्म फेयर इज ओवर, आईफा इज ओवर, सब कुछ हो गया ना, नाउ थिंक फॉर द अदर थिंग्स, नाउ थिंक फॉर ऑस्कर्स, नाउ थिंक फॉर ग्रैमीज. ही वॉज लाइक दैट, मतलब कि बैठना नहीं है, कुछ इससे बड़ा सोचना, ये हो गया ना, नाउ इंडिया इज ओवर, नाउ थिंक इंटरनेशनली. ही वॉज लाइक दैट. तो उस तरीके की चीज़ों को उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने वो सारी चीज़ें ग्रो की अपने अंदर. तो अब यही बस तमन्ना है कि बस बढ़ती जाऊं और सूफी संगीत का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में पहुंचा सकूं, लोगों के दिलों को हील कर सकूं. किसी को भी मेरे गानों से यदि सुकून मिलता है तो मुझे लगेगा कि मैं सही रास्ते पर जा रही हूं. जी, आपके हस्बैंड म्यूजिक से इतना प्यार करते थे आपकी वजह से या ही वाज पैशनेट अबाउट म्यूजिक? उनको ज़्यादा म्यूज़िक का कुछ पता नहीं था, लेकिन वो जब से उन्होंने हमारा दोनों का एसोसिएशन हुआ तब से वो ज़्यादा पसंद करने लगे थे. सो लवली. कविता जी, बात करते हैं उस टाइम की जब आपकी म्यूज़िक लर्निंग दिल्ली में ख़त्म हुई और उसके बाद आपने उड़ान भरी मुंबई की तरफ. जी जी. कैसे आपको लगा कि अब मुझे बॉम्बे जाना चाहिए या मुझे अब बॉम्बे की इंडस्ट्री में काम करना है, प्लेबैक सिंगर की तरह सामने आना है? एक्चुअली मेरी जो आवाज़ है काफ़ी अलग हट करके है, काफ़ी लोगों ने बोला भी और मुझे भी लगता है, मुझे नहीं लगता था कि ये तो मेरे ड्रीम्स बचपन से रहे कि मैं बहुत कुछ बड़ा म्यूज़िक में करना चाहती थी, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये डाउट था. बिकॉज उस वक्त पर आशा ताई और लता जी जैसी वॉइसेस का वो था, वही गाने वही वॉइसेस चलती थी सारे प्लेबैक सॉन्ग्स में, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कहीं स्टैंड कर पाऊंगी. लेकिन हाँ, एक ये तो सभी को तमन्ना रहती है इंडिया में कि हाँ चलो एक बार ट्राई किया जाए. लेकिन मैं दिल्ली में परफॉर्म कर रही थी, लाइव शोज बचपन से कर रही हूँ, तो सतीश कौशिक जी ने मुझे दिल्ली में सुना था इंडिया हैबिटेट सेंटर में कभी, तो वो बोले ये वॉइस इंडस्ट्री में नहीं है, मैं ये यूज़ करूँगा. एंड मैंने कहा ऐसे तो बहुत लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि इतनी स्टोरीज सुनी थी लोगों की कि पता नहीं कितने साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, आज तक कोई अच्छा ब्रेक नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें लोगों की. तो मैंने कहा बहुत लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ होगा, मतलब मुझे उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ. फिर उसके 15-20 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि कविता कल फौरन आ जाओ बॉम्बे, एक गाना रिकॉर्ड करना है. आई वॉज शॉक्ड. मैंने कहा सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मतलब मुझे विश्वास भी नहीं. उन्होंने आपको मिलकर ही कहा था ना ये कि आपकी आवाज को मैं यूज करना चाहता हूं, एंड स्टिल आपको लगा कि मुझे नहीं विश्वास हुआ था. ओके. क्योंकि काफी स्टोरीज लोगों की पहले से सुन रखी थी, तो लगता था पता नहीं सच है कि झूठ है, ऐसा कुछ था. तो बल्कि जब उनका फोन भी आया तो उन्होंने बोला कि कल आ जाओ फौरन रिकॉर्डिंग करनी है. तो मैंने कहा अच्छा फिल्म का नाम क्या है? बोले वादा. मैंने कहा ये बताओ वादा सच्चा है कि झूठा? पता लगा मैं पहुंचूं और उनको ढूंढती रहूं. तो बट
उन्होंने कहा और उन्होंने अपना वादा निभाया, और जो जिसको बॉलीवुड इंडस्ट्री में या इंडिया में बोलते हैं ब्रेक, तो दैट वाज अ डेब्यू. आई सैंग फॉर हिज फिल्म वादा एंड दैट वाज आल्सो अ सूफी नंबर. जिंदगी को संवार दे मौला, हुस्न इसका निखार दे मौला. कविता जी, आपने कहा कि आपको उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आपको कहा, वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए. वो कौन लोग थे? नहीं, मतलब मेरे से किसी ने ऐसे वादे नहीं किए थे, लेकिन लोगों के मैंने किस्से सुन रखे थे. एक मेरे पास भी एक शायर आते हैं, वो अभी बॉम्बे में ही रह रहे हैं. मतलब उनकी स्ट्रगल को तो मैं उनके जज्बे को बहुत सर आंखों पे रखती हूँ, कि जब भी मैं कभी मतलब डिप्रेस होती थी किसी भी बात को लेके, तो मेरे हस्बैंड यही बोलते थे, उनको देखो, आरिफ भाई को देखो, 28 साल से वो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, तुम्हें जस्ट अभी साल भर नहीं हुआ और तुम ऐसे कर रहे हो. तो इस तरीके के लोगों की स्टोरी सुन रखी थी कि इतना टाइम हो गया, कुछ नहीं हुआ. तो वो चीज़ें सोच के विश्वास नहीं होता था कि ऐसा होता भी है कि नहीं, तो देट वॉज अ थिंग. लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ लकीली. बल्कि सतीश कौशिक जी की फिल्म में गाने के बाद मैं महेश भट्ट साहब से मिली थी, कि रिकॉर्डिंग के लिए गई थी बॉम्बे. तो मैंने कहा भट्ट साहब से भी मिल लेती हूँ, बिकॉज उनकी फिल्मों का म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है. तो भट्ट साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे एक पब्लिशिंग हाउस के लिए, और उन्होंने वो इंटरव्यू छोड़ दिया कि ये तो कभी भी कर सकता हूँ, ऐसे आर्टिस्ट नहीं मिलते हैं. उन्होंने मेरे को टाइम दिया, 5 मिनट का टाइम बोला था, और उन्होंने हाफ एन आवर मुझे दिया, मेरे सारे सॉन्ग सुने, मेरे से बात किया, एंड बोले कि बेटे तेरी वॉइस बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यदि सीरियसली कुछ करना चाहते यू हैव टू बी हेयर ओनली इन मुंबई. लकीली हस्बैंड वॉज इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड उनकी पोस्टिंग बॉम्बे हो गई, और हम वो डेस्टिनी कुछ इस तरीके से थी. और फिर उसके बाद मैंने फिल्म गैंगस्टर में मुझे मत रोको मुझे यार के घर जाने दो, दैट सॉन्ग आई सैंग. ये जो गाना था